उनके मेहनत की कमाई को कर्जदार साहूकार उठा लेकर के चले जाते थे, छीन लेते थे, उनके बच्चे तड़पते रह जाते थे, भूख से परेशान रहते थे, स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे। आज जनधन योजना के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से सीधे उनके खाते में उनका वेतन जा रहा है, उनके बाल बच्चों तक उनके मेहनत की कमाई पहुंच रही है। ये क्या हमारी सरकार ने नहीं किया था? ये कल्पना रही है हमारी सरकार की, सबका साथ सबका विकास ये हमारी योजना रही है, इसके तहत हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करने की का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो हमारी विचारधारा से संबंध रखते हैं, इतिहास जानता है कि उन्हीं लोगों के कारण उनको सरकार ही नहीं बल्कि धर्म का भी त्याग करना पड़ा था, सरकार छोड़ना पड़ा था। उन्होंने तमाम योजनाएं रखी थी, उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। नेहरू जी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि वो सारी योजनाएं आगे बढ़े ताकि जनता का और दलितों का कल्याण हो, इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा किए कि डॉक्टर अंबेडकर को सरकार छोड़कर के जाना पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा को क्या कांग्रेस ने उभरने दिया था? 23 मार्च 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देश के सामने उनकी विराट व्यक्तित्व को रखा, उसको देश ने देखा होगा। इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ही वो ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे संस्थाओं का एक तरह से कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हर गरीबों के दलितों के घर में प्रकाश आ सके। जल बोर्ड जैसे संस्थाओं का उन्होंने प्रयास किया था कि हर व्यक्ति को, हर दलित को पीने का पानी मिल सके, जिस तरह से सामाजिक समस्या के मध्य उनको पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ता। इस देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अगर स्थापित किया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। इस देश में लेबर एक्ट अगर किसी ने बनाया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। लेबर एक्ट में जो 8 घंटे का कार्य दिवस, कार्य का समय सुनिश्चित किया था, जहां दलितों के साथ 24-24 घंटे मेहनत कराया जाता था, जहां मजदूरों के साथ 12-12, 14-14 घंटे परिश्रम करा करके भी मजदूरी उनको पर्याप्त नहीं दी जाती थी, लेबर एक्ट, वेज एक्ट, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट अगर किसी ने दिया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने, आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक कांग्रेस का उनका वैचारिक मतभेद था, ये क्या राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते, अपने राज्य, अपने शासन में भारत रत्न की उपाधि भी नहीं देने दिया गया? ये तो गैर कांग्रेसी सरकार में उनको भारत रत्न दिया गया था। इसलिए कम से कम राहुल गांधी को अपने इतिहास के ज्ञान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और वो हमें ये नहीं बता सकते हैं और देश को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं अपने बचपना भरे ज्ञान से।